जिंदाबाद हमेशा के लिए। कौन से हमारे भाई हैं बहुत बड़े, मतलब वो नहीं है कि कितने, बयान कर नहीं सकता मैं, बहुत ज्यादा। आज पवन सिंह की पिक्चर लगी है, अच्छी बात है। पवन सिंह का पिक्चर बहुत देखते हैं। मिले हो कभी? मिले हो पवन? हाँ, भगत सिंह 2 नंबर मैदान में गए थे तभी मिला था। पवन सिंह को जानते हो? अच्छी तरह जानते हैं। अरे जितने पिक्चर आते हैं उतने पिक्चर हम लोग देखते हैं। सही है भाई, सही है। हीरो कैसा है? हीरो भी सही है। पिक्चर कैसी है? पिक्चर अच्छी है। अच्छी है। हीरोइन कैसी है? गाने अच्छा है, बढ़िया था। गाने कैसे? गाना कैसे? गाना भी अच्छा है, अच्छी है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ऊँचा नाम चलेगा, बहुत भविष्य में आगे बढ़ेगा। पवन सिंह हीरोइन भी अच्छी काम की है बाद में, लास्ट में अच्छा पिक्चर है। फिल्म अच्छा है पर हॉल की सर्विस, कुर्सी टेबल पंखा कुछ अच्छा नहीं लगता। पिक्चर बहुत बढ़िया, वेल डन, सुपर सुपर, अच्छा बढ़िया पिक्चर। अच्छी है भाई, बहुत खूब भाई साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छे पिक्चर बहुत मस्त है, सही है, सही है, ठीक है। ना बोल बाबा ना, तो ज्यादा बढ़िया, एक नंबर। पवन तो हर मूवी में ही अच्छे रहते हैं इस बार। अरे मैं तो अभी पवन सिंह बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं, अच्छा सिंह है। फिल्म तो बहुत अच्छी है, पवन सिंह का काम बहुत अच्छा है इसमें, समीर भाई का काम बहुत अच्छा है, मा तुझे सलाम काफ़ी अच्छी फिल्म है। भोजपुरी मैं हिंदी फिल्में ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन ये फिल्म ऐसी लगी कि मुझे ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी भी एक फिल्म होती है। लोगों को सबको आगे देखना चाहिए कि कैसी फिल्म बनी है भोजपुरी भी। भोजपुरी भी अच्छी फिल्म बनती है, अच्छे एक्टर होते हैं, अच्छे कैरेक्टर होते हैं, और मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू, आई लव यू पवन सिंह। जय हिंद।